जिला संगरूर से सुनाव के नजदीक गांव बख्शीवाला से मामला सामने आया है। पूरे गांव में मचा है कोहराम। आप देख रहे हैं एएमआई न्यूज, मैं हूं रितु। सुनाव के नजदीक गांव बख्शीवाला से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक औरत ने अपने पति को मारकर घर के कच्चे फ्लश में दफनाए जाने का सनसनी केस सामने आया है। खबर मिली है जी, इतने पता लग गया बहू आप मन रही है, कहती 25 दिन हो गए। एक महीने से मृतक के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। पुलिस कच्चे फ्लश टैंक को खोदकर मृतक की बॉडी निकालने में जुटी। गांव में मचा है कोहराम। सात फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली जीवन संगनी ही मौत का कारण बनेगी, ऐसा उसने कब सोचा था। मामला सुनाव के गांव बख्शीवाला का है, जहां पर एक गरीब परिवार की दास्ता ने गांव में कोहराम मचा दिया है। गांव का एक युवक पिछले एक महीने से लापता था। उसकी रिपोर्ट पुलिस में भी परिजनों द्वारा लिखवाई गई, लेकिन आज मामले से पर्दा उठा तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के अनुसार अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जीवन संगनी ने ही अपने पति को मारकर घर में बनी कच्चे फ्लश टैंक में फेंक दिया। जसवीर कौर पत्नी काला सिंह दरखास्त दिती सी, मेरा कई दिनों तो घर वाला गुम है, परंतु हुण सानू तफ्तीश दे दौरान यह गल साबित हो रही है भी उस जनानी वालों भी अपने घर वाले नूं कीते, तफ्तीश चल रही है। जो भी तत्थ सामने आउणगे, जो भी दोषी होणगे, उन्हां नूं बख्शा नहीं जाऊगा। तफ्तीश दे दौरान ही पता लगेगा जी, अजे शक है। सानू तां 20-25 दिनों की गल हो गई, ये कोई पता नहीं हजे। हजे अज ही सानू खबर मिली है, ये अज ही इत्थे पता लग्या बहू आप मन रही है, कहिंदी वी कोई चा मुंडा, कहिंदी वी मैं मारिया, कहिंदी मैं सिर ते मुंडे दे। सानू शक तां हैगी सी बहू ते, असीं रिपोर्ट भी लिखाई सी थाने च, उन्होंने कोई हजे तक कारवाई कीती नहीं सी, अज कारवाई हुई है। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਦੱਬਿਆ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਨਸ਼ੇ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂ 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 ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ज्यादा खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए एएमआई न्यूज के साथ। हिमाचल में चुनावों की बेहतरीन कवरेज के बाद अब पंजाब और जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं हम। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम। आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे हम। किसी भी समस्या या परेशानी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम है एएमआई न्यूज, आपकी आवाज, आपकी आवाज़।